रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे नेहा। और आरजे नेहा, आज आप तक जो जायका पहुँचाने वाली है वो जायका यहाँ का सबसे ऑथेंटिक जायका है, देसी स्टाइल का जायका, जिसे कहते हैं बाटी चोखा। और बाटी चोखा तो देखिए बनारस में बहुत सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन ये एक ऐसी लोकेशन है जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा लजीज यहीं का बाटी चोखा है। और ना सिर्फ बनारस में बल्कि इसकी ब्रांच जो है वो लखनऊ और कलकत्ता में भी है। और क्यों इतना ख़ास है, क्यों इतना स्पेशल है, वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखी है, ये वाकई में चलती भी है। और इसमें चना वना डाल के सत्तू बनाया जाता है, और क्या प्रॉपर पूरा गांव वाला फील जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरा उधर लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर जो गाँव में जैसे बनता था, आपने देखा होगा गाँव में ये सब ऐसे घोरी रखी होती थी, बाटियाँ बनती थी, वहाँ दाल बन रही है मटके में और सारे लोग बना रहे हैं, धुआँ बहुत हो रहा है। तो ये एक पूरा रियल फील है, जिससे इसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है इस ऑथेंटिक डिश में। और ना सिर्फ ये, आप जो बाहर देख रहे हैं कि बाहर बनने का प्रोसेस ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, अंदर जाने के बाद भी आपको सेम फील आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप शहर के अंदर हैं। अंदर जाने के बाद आपको लगेगा कि आप गाँव में बैठ के प्रॉपर खाटी बाटी चोखा खा रहे हैं। और अंदर का भी दृश्य आपको ज़रूर दिखाऊँगी, चलते हैं आगे। भीड़ आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये वीकेंड नहीं है, ये वर्किंग डे में ये भीड़ है जो भी आप देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वीकेंड में क्या हाल होता होगा इस रेस्टोरेंट का, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं होती है। और आप इंटीरियर देखिए, गांव वाला पूरा फील है, हालांकि इस गांव वाले फील में एसी भी लगी हुई है, बट पूरा प्रॉपर फील जो एक विलेज वाला फील आता है। और उस विलेज वाले फील में आप विलेज का ये स्पेशल बाटी चोखा जब खाएंगे तो क्या मज़ा आएगा सोचिए। और इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने वाले हैं। और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया, जो बाटी चोखा रेस्टोरेंट के ओनर हैं दिवाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, कितने टाइम से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, पहले तो ये मैम हम 8 सालों से जो है यहाँ बनारस में जो है फर्स्ट स्टार्टिंग हमने किया, इसके बाद लखनऊ कलकत्ता। जी, क्या स्पेशलिटी है आपके? हमारी स्पेशलिटी जैसे बाटी चोखा तो है, उसके अलावा हमारा खिचड़ी है, कढ़ी राइस है, ये हमारी जो है स्पेशल डिश है। जी, अच्छा, आपकी स्पेशल डिश है। अच्छा, खिचड़ी आपने बोला, खिचड़ी जो हम लोग नॉर्मल घर में खाते हैं वो वाली खिचड़ी या फिर? नहीं, बिल्कुल जो हम लोग घरों में खाते हैं वही खिचड़ी है। हाँ। और उसको एकदम बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जी जी, थैंक यू सो मच दिवाकर जी। और बेहतर तरीके से ना सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है बल्कि बेहतरीन तरीके से लजीज खाना परोसा भी जाता है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वर्किंग डे में भीड़ आप देख रहे हो, वीकेंड में इससे डबल ट्रिपल भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। तो जब भी आप तेलियाबाग साइड आएँ तो एक बार ज़रूर से बाटी चोखा रेस्टोरेंट का बाटी चोखा ज़रूर से खाइएगा, और बाकी जो और भी डिशेज हैं उसका भी लुत्फ ज़रूर से उठाइएगा। ऑथेंटिक बाटी चोखा अगर खाना है तो तेलियाबाग के बाटी चोखा रेस्टोरेंट ज़रूर से आइएगा। और सुनते रहिएगा रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में बनारस सिटी।